आइए देखते हैं इन्वेस्टर को किसमें ज्यादा कमाने को मिला ये शेयर में या निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में वन वन टू थाउजेंड फोर्टीन को शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था छह साल बाद एक जानवरी दो हजार बीस को शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था लॉकडाउन में जब लोएस्ट पॉइंट पे मार्केट थी तभी ट्वेंटी थर्ड मार्च को शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था और अभी शेयर प्राइस है और इंडेक्स है अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टॉक में चार बातें होनी चाहिए एक लंबी अवधि में शेयर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए दो जब मार्केट में बड़ा फॉल आता है तो हमारा स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले तीन जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टॉक तेज़ी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले चार हमारा शेयर अपने सेक्टर का टॉप शेयर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये शेयर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानी कि पहले तीन पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेयर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है वन वन टू थाउजेंड फोर्टीन को एक लाख रुपए इस शेयर में इन्वेस्ट किए छः साल बाद इस शेयर में इन्वेस्ट किए हुए एक लाख रुपए हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और करंट शेयर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वन वन टू थाउजेंड फोर्टीन के दिन एक लाख रुपए निफ्टी फिफ्टी शेयर्स में इन्वेस्ट किए साल छू थाउजेंड ट्वेंटी के दिन वह एक लाख रुपए हो गए मार्च दो हजार बीस में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और अभी की वैल्यू है फर्स्ट पॉइंट में निफ्टी जीत गया सेकंड पॉइंट में निफ्टी हार गया थर्ड पॉइंट में निफ्टी जीत गया एक मिनट के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि यह शेयर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले सात सालों में चले हैं वैसे ही अगर अगले सात सालों तक चले तो उनकी वैल्यू कहां पहुंचेगी 2020 में किसका परफॉर्मेंस बेटर रहा शेयर का या निफ्टी का यह है पिछले एक महीने का रिटर्न यह है दो महीने का रिटर्न यह है तीन महीने का रिटर्न यह है छह महीने का रिटर्न और यह है पिछले नौ महीने का रिटर्न तो देखिए दोस्तों इस स्टॉक ने निफ्टी को कैसे आउट परफॉर्म किया है दोस्तों हमें ऐसे स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है जो निफ्टी फिफ्टी के दिग्गज स्टॉक्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दे थैंक यू